ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आप आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने वाले हैं जिसमें ये देखेंगे कि फेब्रुअरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम करियर की रीडिंग निकालेंगे, देन लव की, एंड फाइनली आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे जिसमें देखेंगे कि सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, फेब्रुअरी मंथ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी आपको चीज़ों में पहले से ज़्यादा सचेत होना चाहिए। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। और जितने भी नए लोगों ने मेरे चैनल पे आज ज्वाइन किया है या पहले से हैं बट कभी सब्सक्राइब नहीं किया, सो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट कि आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें आने मेरी वीडियोज़ के लिए। सो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। सो और जितना हो सके रीडिंग्स को, जनरल रीडिंग्स को जनरली लें, ज़्यादा इम्पोज मत करें, ठीक है, अपने ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो जेमिनी राशि, आइए देखते हैं कि करियर वाइज क्या एनर्जीज हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, आपकी कैसा रहेगा। मिथुन राशि, आपका करियर अगले महीने। ओके, गिल्ट का कार्ड आया है, थंडरबोल्ट एंड पास्ट लाइफ। सो मुझे ऐसा लगता है जेमिनी शायद कहीं ना कहीं, हो सकता है आप लिब्रा राशि से भी डील कर रहे हो, मुझसे लिब्रा आया है तो कहीं ना कहीं जेमिनी मुझे लग रहा है करियर वाइज आप थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। थंडरबोल्ट से मुझे ऐसा लग रहा है या तो कुछ जॉब चला गया है या कोई करियर में बहुत बड़ा नुकसान आया है, कोई शेयर मार्केट में आपने कोई नुकसान झेला है, और ये जो भी था ये बहुत कार्मिक था। कोई ऐसा इंसान आपको कार्मिक पैटर्न में फंसा के गया है और आपको बहुत ज़्यादा शायद गिल्ट हो रहा है। मे बी आपने किसी की बात मान ली, किसी की सिचुएशन के हिसाब से कि हाँ उसने मुझे कहा था तो ऐसा कर लो तो मैंने ऐसे कर लिया और शायद चीज़ें उस हिसाब से गई नहीं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आप थोड़ी सी पुरानी एनर्जी में फंसे रहेंगे, थोड़े पुराने ये जो आपके साथ या तो हो सकता हो चुका हो, आप उस नुकसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट कर रहे हैं कि क्यों मैंने इतनी तेज़ी से उसके ऊपर विश्वास करा, क्यों मैंने उस इंसान की बातों में आया। तो इस एनर्जी को अब आपने जैसे रीडिंग देख लिया सो आपको एटलीस्ट ये पता लग रहा है कि क्लिंगिंग टू द पास्ट में बहुत ज़्यादा पीछे की चीज़ों के बारे में सोचने वाला हूँ। सो आपको यही चीज़ करनी है कि आपको नहीं करना, ठीक है, तभी शायद आपकी लाइफ में चेंज आएगा, एक ब्रेक थ्रू आएगा। सो इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिवली लीजिए, ये मत सोचो कि थंडरबोल्ट का कार्ड आ गया। थंडरबोल्ट मींस द टावर, टावर मींस कि जैसे बिल्डिंग में अगर आप ये वाला कार्ड देखोगे ना तो इसमें एक आग लगी हुई है, लोग गिर रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है सो उसे बहुत समझदारी से हैंडल करने की कोशिश करें और थोड़ा प्रिपेयर्ड रहे फेब्रुअरी मंथ में जेमिनी। सो पीछे की बातों को ज़्यादा पकड़ पकड़ के भी ये ना हो कि आप कहीं पुरानी एनर्जीज़ की वजह से या पुराने लोगों के साथ भिड़ने की वजह से ये ब्रेक थ्रू, ये थंडरबोल्ट वाली सिचुएशन आ जाए, ठीक है। सो आइए देखते हैं क्या जेमिनी कैसा है आपका लव एंड रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी कैसा रहेगा। द डेविल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। सो जेमिनी मुझे थोड़ा सा आपकी एनर्जीज ठीक नहीं लग रही। आई होप कि आई थिंक कि वो जो नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखी थी आपके उसके अंदर, शायद वही नेगेटिव एनर्जी आप अपने या तो पर्सनल लाइफ में लेके जा रहे हैं या फिर पर्सनल लाइफ की आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपकी तरफ कुछ गलत हुआ है अब, या तो ये कोई आपकी हैप्पी फैमिली में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुई है, आपको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अगले महीने शांत रहना, चाहे वो करियर हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, और हो सके तो अपने दोस्तों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, किसी से के साथ मिलकर रहें और उनकी राय लें। अपनी खुद की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दें और ना ही ईगो गेम में फंसें किसी के साथ, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी हो सकता है इसमें भी रिग्रेट आया। आई डोंट नो किस तरह के रिग्रेट में हैं आप जेमिनी, सेम आपका उसमें भी आया है,
गिल्ट आया है, इसमें रिग्रेट आया। सो ये चीज़ों को थोड़ा सा देखें कि कहाँ पे आप क्या गलत कर रहे हैं, क्यों गिल्ट और रिग्रेट के कार्ड आ रहे हैं आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों में आ रहे हैं, या तो दोनों पे असर आ रहा है किसी एक की वजह से। सो ये चीज़ देखें कि कहीं मैं इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा दूसरे को, और अपनी नेगेटिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना फरवरी मंथ में जेमिनाय, ठीक है। आइए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। सो डिवाइन गाइडेंस फॉर जेमिनाय फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, सो लुक फॉर अ साइन। तो किसी ऐसे साइन का इंतज़ार करें या देखें कि कुछ आपको, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है आपकी लाइफ में, मान लीजिए करियर में हो गई है, हो सकता है पर्सनल लाइफ में हो गई है, जिस भी चीज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपने फेस की है, तो वहाँ पर देखिए कि ऐसा क्या मिल सकता है जिससे एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाए, जिससे एक कुछ ऐसा हो जाए। एंड आस्क योर एंजल, तो अपने भगवान से, अपने ऊपर वाले से पूछने की कोशिश करें, और उसके साथ कनेक्ट करने का सिर्फ एक तरीका होता है कि चुपचाप बैठें, सोचें और उसको कहें कि आप ही मुझे बताओ कि सही रास्ता क्या है और आगे कैसे बढ़ना है, बस दैट्स इट। आपको वो अपने आप बताएगा, आपको 10 लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी वैलिडेशन की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। ऑलराइट, सो ये है आपकी रीडिंग जेमिनाय। आई होप रीडिंग आपसे मैच करी हो, अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।